तो बैलन डोर 2022 खत्म हो चुका है और बहुत ही कम लोग होंगे जो इस डिसीजन को शायद ही क्वेश्चन कर रहे होंगे। हमेशा हम जब बैलन डोर की बात करते हैं तो डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं कि इसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये वो। लास्ट टाइम भी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ऑब्वियसली मैसी को मिला था, बट बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि भाई लेवनडॉस्की को भी मिलना चाहिए, तो एक काफ़ी वहाँ पे डिस्कशन हुई थी। लेकिन इस बार जो है काफ़ी क्लियर था, आई थिंक शायद ही किसी को शिकायत होगी इस डिसीजन से। करीम बेंजिमा इज़ दी बैलन डोर विनर फॉर 2022। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू करीम बेंजिमा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द रियल मैड्रिड फैंस, बहुत बहुत बधाइयाँ भाई, वेल डिजर्व्ड। और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि भाई बेंजिमा के अलावा कोई और डिजर्व भी करता था इसको। भाई स्पेशल मेंशन टू सादियो माने और केविन डिब्रोइना। केविन डिब्रोइना को टॉप थ्री में देख के अच्छा लगा, जैसा मैं कई बार एडमिट कर चुका हूँ, आई एम अ ह्यूज केविन डिब्रोइना फैन। तो भाई मतलब उनको शायद उतनी कभी रिकग्निशन मिलती नहीं है जितनी मिलनी चाहिए। और फिर सादियो माने का भी जिस तरीके से सीजन रहा था, लिवरपूल के इतने अच्छे रन में उनका इतना बढ़िया कंट्रीब्यूशन था, फिर सेनेगल को अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस जिताना, वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन कराना, तो मतलब सादियो माने का भी काफ़ी दमदार सीजन रहा था। लेकिन करीम बेंजिमा भाई जिस तरीके से उन्होंने लीड किया, लाइन लीड करी रियल मैड्रिड की, जिस तरीके से उन्होंने चैंपियंस लीग में ऐसे क्रूशल मोमेंट्स पे इतने बड़े बड़े मैचेस पे बड़े बड़े गोल स्कोर किए, और थ्रू आउट द सीज़न जो एक अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसी थी बेंजीमा की, वो भाई लाजवाब थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं बचा है अभी बेंजीमा की तारीफ में जो कहा जाए, जो अभी तक नहीं कहा गया हो। लेकिन एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ आपके सामने, अगर आप 2017-18 सीज़न में जाएं एक बार, जहाँ पे रियल मैड्रिड ने अपना लगातार तीसरा चैंपियंस लीग टाइटल जीता था, तो ये बेंजीमा के करियर का सबसे ख़राब सीज़न था। अगर आप इसमें देखेंगे तो करीम बेंजीमा के 32 अपेयरेंसेज में सिर्फ 5 गोल और 10 असिस्ट हैं। उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से करीम बेंजीमा के नंबर जो हैं सीज़न इन सीज़न आउट शानदार ही रहे हैं, किसी भी सीज़न में 20 से कम गोल नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ, मतलब वॉट हैपन टू बेंजीमा? मतलब जब सब सोच रहे थे कि नी आर ही इज़ नॉट दैट गुड ऑफ अ स्ट्राइकर। करीम बेंजीमा 2009 से रियल मैड्रिड में है, बहुत लंबा उनका करियर रहा है रियल मैड्रिड में। और जब जोसे मरिनियो की रियल मैड्रिड होती थी उस टाइम बहुत बार ऐसा होता था कि हिग्वाइन को प्रेफर किया जाता था, करीम बेंजीमा को एक बहुत ही इरेटिक, इनकंसिस्टेंट, ऑफ द फील्ड इश्यूज बहुत होते थे करीम बेंजीमा के, उनको ट्रस्ट नहीं किया जाता था। तो हमेशा डाउट होता था कि भाई टैलेंटेड तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ये प्लेयर उन ऊंचाइयों पर पहुँच पाएगा, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पाएगा जो लगता था सबको, और जिस तरीके के कैलिबर के प्लेयर लगते थे करीम बेंजीमा बन सकते हैं। तो भाई उस बात का जो है जवाब दे दिया है करीम बेंजीमा ने। और एज अ पर्सन भी आई थिंक एवोल्यूशन हुआ है करीम बेंजीमा का। अगर आप उनके अभी देखें ऑफ द फील्ड, तो काफ़ी इश्यूज रहे हैं पहले, जिसकी वजह से उनको फ्रांस नेशनल टीम में जगह नहीं मिलती थी, उनके इश्यूज हो गए थे फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन से। लेकिन उन्होंने एज अ पर्सन अपने आप को इवॉल्व किया है, अपनी ऑफ फील्ड हरकतें हैं उनको सही किया है। और अगर आप देखें जिस तरीके का वो हार्डवर्क और जिस तरीके का वो डेडिकेशन पुट करते हैं अपनी ट्रेनिंग में, अपने आप को टिप टॉप रखने के लिए इन पीक फिजिकल कंडीशन, तो भाई लाजवाब है, ही एब्सोल्युटली डिजर्व्स इट। और तो दिख गया भाई, मतलब जब रोनाल्डो छोड़ के गए रियल मैड्रिड, तो करीम बेंजीमा ने वो बोझ उठाया और उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि अब इस अटैक को मैं लीड करूंगा। और अभी तक वो साइड किक का एक रोल प्ले कर रहे थे रोनाल्डो के साथ, लेकिन अब वो मेन मैन बन गए हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया और एक इंस्पिरेशनल एक एवोल्यूशन रहा है बेंजीमा के करियर की, अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखेंगे तो। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक, मैं कहूँगा, एक तरफा तरीके से बेंजीमा बैलन डोर जीता है। अगर आप हर बार बैलन डोर के लिए 10 लोगों से पूछेंगे ना, तो 5 लोग बोलेंगे इसको मिलना चाहिए था, 5 लोग बोलेंगे उसको मिलना चाहिए था। लेकिन इस बार मुझे लगता है 10 में से 9 लोग बोलेंगे कि हाँ बेंजीमा को ही मिलना चाहिए था, इस बार इतना क्लियर था। तो इससे पता चलता है कि बेंजीमा कितना ऊपर थे बाकी प्लेयर से, एक कट अबव द रेस्ट, ही वॉज इन अ लीग ऑफ हिज ओन। तो भाई बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन टू बेंजीमा एंड ऑल द रियल मैड्रिड फैंस। और शानदार तरीके से बेंजीमा ने सेलिब्रेट भी किया इस बैलन डोर को, एल क्लासिको में जीत दिला के रियल मैड्रिड को, उसमें उन्होंने गोल भी स्कोर किया। और अभी एक बहुत बड़ा सीज़न है, ये वर्ल्ड कप है सीज़न, फ्रांस के लिए खेलेंगे वर्ल्ड कप बेंजीमा, और रियल मैड्रिड के लिए भी कोशिश करेंगे कि डिफेंड करें वो टाइटल को, चैम्पियंस लीग टाइटल को। और लालीगा में भी काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग लग रही है इस समय रियल मैड्रिड। तो बहुत लंबा सीज़न आ गया, बट फॉर द टाइम बिंग अगेन अ ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी वन। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक छोटा सा रिएक्शन था बेंजीमा को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। आप अपने कॉमेंट सेक्शन में थाट्स बताएं, आपको क्या लगता है, एंड फ्रॉम अ साइड किक टू द मेन मैन, भाई जिस तरीके से जर्नी रही है, जिस तरीके से एवोल्यूशन रहा है बेंजीमा का।
दैट इज़ क्वाइट इंस्पिरेशनल। और मेरे हिसाब से ये एक स्टोरी है जो आई थिंक बहुत लोगों को जो है एक रास्ता दिखाएगी, राह दिखाएगी कि अगर आप भटक भी जाते हैं, आपके लिए चीज़ें सही नहीं भी हो रही होती, तो भी अगर आप में डिसिप्लिन है, लगन है और आप मेहनत करना जानते हैं और पोटेंशियल है आप में, तो डेफिनेटली आप उसको रियलाइज़ कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, जब तक ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड पीस।